नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सौरभ है और मैं छोटे से सरकारी अस्पताल में काम करता हूँ। और पिछले 2 साल से जब से मैं डॉक्टर बना हूँ, ये देख रहा हूँ क्या अगर किसी व्यक्ति की इलाज के दौरान मृत्यु हो जाती है। और आपको पता है क्या, सरकारी अस्पताल अधिकतर वही लोग आते हैं जिनके पास पैसा नहीं होता है, तो मरने के बाद भी वो लोग रिक्वेस्ट करते हैं क्या एम्बुलेंस मिल जाए या कोई गाड़ी मिल जाए जिससे कि कम से कम डेड बॉडी जो वो शमशान तक पहुंचाया जा सके। और मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे स्टेट में हालत ये है कि अगर हम लोग पेशेंट को अपने यहाँ से रेफ़र करते हैं तो उसके लिए भी गाड़ी अवेलेबल नहीं होती है। तो जो जिंदा व्यक्ति है उसके लिए गाड़ी अवेलेबल नहीं है, तो जिसकी मृत्यु हो गई उसके लिए गाड़ी कहाँ से अवेलेबल होगा। और मैं आपको सही बता रहा हूँ, ये वीडियो मेरा बनाने का बिल्कुल मूड नहीं था, बहुत अच्छे मूड से मैं आज काम करने के लिए आया था। और कोई लेबर है जो 200-300 रुपये कमाता है, वो 5,000 एम्बुलेंस का दे पाएगा क्या? भाई मेरा कोई रिलेटिव डेथ कर गया है, मेरा बच्चा डेथ कर गया है, उसे चलो शमशान तक लेके चलो। और इस वजह से आप लोग, मैंने अपने आँखों से देखा है, जो हम लोग साइकिल चलाते हैं ना उस पर डेड बॉडी को लेके जाते हैं, क्योंकि जो 400 कमा रहा है उसके पास कैपेसिटी नहीं है क्या वो पे कर सके। और ये देखने के बाद मतलब दिमाग काम नहीं करता है, और उतना अमीर भी नहीं हूँ, है ना, क्या ये फैसिलिटी मैं अपने पॉकेट से प्रोवाइड करा पाऊँ, लोअर मिडिल क्लास से आता हूँ। तो ये रिक्वेस्ट है, ये वीडियो अगर कोई ऐसे जन तक पहुँचता है जो इस चीज़ में मदद कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट से तो, चाहे वो गवर्नमेंट कहीं का रहे, झारखंड का रहे, बिहार का रहे, कहीं का भी, गवर्नमेंट से तो उम्मीद है ही नहीं। और मेरे घर वालों ने यही सिखाया है क्या, जीत और हार हमारे बस की नहीं है, बस हम कोशिश कर सकते हैं। तो बींग ए इंडियन ये मेरा फ़र्ज बनता था क्या मैं ये चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूं, और अगर किसी के तरफ से कोई हेल्प हो सकता है और हेल्प करने की, मुझ तक पहुंचने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो भी आसपास के आपके अस्पताल हैं वहाँ पे आप एक छोटा सा गाड़ी आप, है ना, आप दे सकते हो जिससे कि आगे फर्दर कुछ यूज़ हो पाए, या फिर छोटा आप ग्रुप बना के ऐसे हेल्प कर सकते हो। मतलब मैं क्या बताऊँ, मुझे मन करता है ये सब देख करके रोने का, लेकिन क्या करूँ, काम करना है ना। मतलब आप सोचो कि किसी का बच्चा वो मर गया और उसे अब वो मतलब पूछ रहा है कि भैया गाड़ी दिलवा दो, गाड़ी दिलवा दो, उसके पास पैसा नहीं, वो लेबर है, वो कहाँ से गाड़ी, 5,000 वो कहाँ से एम्बुलेंस वाले को देगा, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये देख करके ना दिमाग काम नहीं करता है। मैं ये वीडियो नहीं बनाता, बट आज मैंने जो जो देखा है, इतने दिनों से देखते आ रहा हूँ, मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मुझे लगा ये चीज़ आपको मुझसे शेयर करना चाहिए। तो हाथ जोड़ के निवेदन है क्या, अगर कोई सक्षम है इस चीज़ में तो मस्जिद में, मंदिर में, यहाँ वहाँ दान करने से मेरे ख्याल से ज़्यादा बेटर है कि आप किसी हॉस्पिटल में एक गाड़ी डोनेट कर दें, है ना, जिससे कि कम से कम आदमी को मरने के बाद वो शमशान तक पहुँच पाए। और जब मेरी हैसियत होगी तो मैं भी करूँगा, सरकार से या फिर किसी पर डिपेंड होकर नहीं, खुद से करूँगा। तो बस आपसे इतना रिक्वेस्ट था, धन्यवाद।